तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको याद होगा आपने 9th क्लास में चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये इसी तरह का ये चैप्टर आपके 10th क्लास में है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो 9th क्लास में आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी होती थी और इसकी फॉर्म होती थी ax प्लस by प्लस c। इस चैप्टर में आपको दो इक्वेशंस होंगी क्योंकि चैप्टर में है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी आपको पेयर दिया होगा इक्वेशन का, तो दो इक्वेशंस बनेंगी। तो ax प्लस by प्लस c आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और इसी तरह की आपकी सेकंड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और फर्स्ट इक्वेशन में ये जो आपके ए बी सी हैं, इन्हें आप ए वन बी वन और सी वन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन जो आपकी है ये ए टू बी टू और सी टू हो जाते हैं। अब क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, जो सवाल में केस बनता है, वो कुछ इस तरह का बनता है कि उसमें दो इक्वेशंस का यूज़ होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह के इसके अंदर आपके क्वेश्चन होते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक राम और एक श्याम। ये दोनों एक स्टेशनरी पे जाते हैं। राम जो है चार पेन खरीदता है और तीन पेंसिल खरीदता है। उसी तरह की सेम टू सेम शाम भी दो पेन खरीदता है और चार पेंसिल खरीदता है। अब राम ने चार पेन और तीन पेंसिल खरीद के जो इनकी जो प्राइस दी वो था 55 रुपीज़, और शाम ने दो पेन और चार पेंसिल 40 रुपये में खरीदे। तो अब इसमें यह बताना है कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस कितना था। अगर आप देखेंगे, कोशिश भी करेंगे, तो इस तरह से आप नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें दो केस बनते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये यूज़ होता है। अब इसका यूज़ इस तरह से होता है, आपको हर क्वेश्चन में ना कोई दो चीज़ ज़रूर दी होंगी, जैसे यहाँ पे पेन पेंसिल है, कहीं पे कुछ और हो सकता है, बुक कॉपी हो सकती है, एजेस के सम भी होते हैं इसमें, जैसे किसी फादर की एज, बेटे की एज। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इनमें सबसे पहले आपको लिया जाता है, लेट कर लेते हैं। हमें निकालना है एक पेन कितने का है और एक पेंसिल कितने की है, तो इनके प्राइजेस को हम लेट कर लेते हैं। लेट प्राइज ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब केस वन बनता है आपका राम का। देखिए, राम ने चार पेन खरीदे हैं, तो ये हो गए चार पेन, और एक पेन का प्राइस है आपका एक्स रुपीज, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो कीमत बनी ये चार पेन की कीमत बन गई, प्लस इसने पेंसिल भी खरीदी है, कितनी, तीन। तीन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक पेंसिल वाई रुपए की है। अब इसने जो टोटल पैसे खर्च किए वो थे 55 रुपीज़, तो इज इक्वल टू 55। केस वन बना। केस टू है शाम का। शाम ने दो पेन खरीदे यानी टू, और एक पेन का प्राइस हमने मान लिया एक्स यानी 2x, तो 2x होकर पेन के प्राइस पता चल गए। अब इसने पेंसिल भी खरीदी हैं, चार पेंसिल खरीदी हैं, एक पेंसिल का प्राइस वाई रुपीज़ है, और इसने जो टोटल रुपए खर्च किए हैं वो है आपके 40 रुपीज़, तो ये केस टू बन गया। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं और उनमें इस तरह से केस बन जाते हैं, दो दो केस बनते हैं तो आपकी दो इक्वेशंस बनती हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपकी बुक में कई सारे तरीके दिए हुए हैं। बेसिकली सबसे पहला होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड,
एल्जेब्रिक मेथड में आपके फिर से तीन पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। फिर आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड के ये तीन तरीके हैं। सेकंड जो इसका तरीका होता है वो है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड में आपका ग्राफिकल मेथड होता है, जिसमें आपको ग्राफ बना के सॉल्यूशन पता चल जाता है। अब इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम को, ये जो राम और श्याम की प्रॉब्लम है, इसको एल्जेब्रिक मेथड के इन तीनों तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, और ज्योमेट्रिकल मेथड को करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 में, क्योंकि वो पूरी ही एक्सरसाइज जो है ज्योमेट्रिकल मेथड पे बेस है। तो चलिए फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये हैं आपकी दो इक्वेशंस जो राम और श्याम की इक्वेशंस आई हैं, 4x plus 3y is equal to 55 राम की थी, 2x plus 4y is equal to 40 ये आपकी श्याम की थी। दो इक्वेशंस बन गई। सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लेना है और इसमें से किसी एक वेरिएबल को बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। मैं x को कर लेता हूँ, यानी 4x is equal to 55 माइनस 3y, और जब x को मुझे अकेला करना है तो 55 माइनस 3y के नीचे मेरा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है x की जगह पे। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे 2, और x की जगह मुझे ये वैल्यू भरनी है, 55 माइनस 3y अपॉन 4 प्लस में 4y इज इक्वल टू 40। अब इसे सॉल्व करना है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है आपका, ये 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। और 55 माइनस 3y तो ऊपर और नीचे आपका 2, इस तरफ 4y, इधर आपका 40। 2 LCM आ रहा है, तो 2 जब LCM लेंगे इस तरफ तो 2 नीचे आ गया, 2 से 2 डिवाइड करके 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस, यहाँ 2 इसके नीचे आपका कुछ नहीं है, 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करा 2 आया, और 2 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, और ये आपका वाई, और इस तरफ आपका ये 40 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ आपका 55 माइनस 3y और प्लस 8y, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके 42 आर, ये आपका 80 आ गया। y और y बनते हैं आपके 5y, क्योंकि 8 में से 3 गया 5, और नंबर है आपका 55, तो नंबर आपका नंबर की तरफ चला जाएगा, यानी कि सॉरी ये 80 है, 88 गलत लिख दिया मैंने, 80, तो 80 में से आपका ये 55 माइनस हो जाएगा, तो 5y की वैल्यू आती है आपकी 25, और y आ जाएगा आपका 25 बाय 5, यानी कि y इज इक्वल टू डिवाइड करके 5, तो y की वैल्यू पता चल गई। अब इस y की वैल्यू को आप अपनी इस वाली वैल्यू में भर देंगे, इस इक्वेशन का नाम मैं 3 लिख देता हूँ, तो y की वैल्यू 5 को इस इक्वेशन में भरने से आपका x आ जाएगा। तो ये है 55 माइनस 3, y की जगह आपको 5 भरना है, नीचे 4 है, ये 55 माइनस 3, 5 15 हो गया, नीचे 4, और ऊपर माइनस होके आपका आ गया 40 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ गया आपका 10, तो यानी कि x इज इक्वल टू 10। y आपको पता चल गया, x आपको पता चल गया,
एक्स और वाई था आपके पेन पेंसिल का प्राइस। तो देखिए जो एक पेन आया ना आपका वो है एक्स, यानी एक पेन का प्राइस आपका 10 रुपये है और पेंसिल का प्राइस था वाई, और वाई आ गया आपका 5, तो ये आ गया आपका एक पेंसिल का प्राइस 5। अब अगर इसमें पुट करके देखें ना तो हमारा आंसर बिल्कुल वेरीफाई हो जाता है। 4 में एक्स भरेंगे 40 हो गया, प्लस वाई में 5 भरेंगे तो 3 5 15 हो गया, और 40 और 15 आपके 55 हो गए, यानी कि ये जो आंसर आए हैं ये बिल्कुल ओके हैं। केस 2 में भर के देखते हैं, यहाँ 2 में एक्स की जगह 10 भरते हैं तो 20 हो गया, और 4 में के साथ 5 तो ये भी 20 हो गया, 20 20 आपका 40। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, और फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप अपनी दो इक्वेशंस को लिखेंगे, ये आपका इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना होता है, यानी कि ख़त्म करना होता है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप कि आप एक्स के या किसी वाई के कॉफिशेंट को सेम करेंगे और फिर उसको ख़त्म करेंगे। मैं यहाँ पे एक्स को ख़त्म करना चाहता हूँ तो एक्स के कॉफिशेंट्स को देखता हूँ मेरी दोनों इक्वेशन में क्या है, 4 और 2। तो 4 और 2 का मैं एलसीएम निकालूंगा, 2 से किया 2, ये 1, 2 से किया 1 और 1, तो मेरा एलसीएम आता है 4। यानी कि मुझे जो मेरी नई इक्वेशन बनेंगी एलिमिनेशन करने के लिए जो यूज़ होंगी, मुझे एक्स का कोफिशिएंट दोनों तरफ 4 चाहिए। उसके बाद ये देखना है कि इस इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट 4 बनाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए। ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, तो यानी कि इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करके देखिए इक्वेशन सेम टू सेम ही रह जाएगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 55। दूसरी इक्वेशन पे देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, अब 2 का 4 बनाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से करेंगे क्योंकि 2 2 4 बन जाएगा। अब इस सारी इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट तो यही आ गया जो आपको चाहिए 4x, सेकंड क्या आएगा 2 4 8 और ये y 8y, यहाँ पे 2 40 आ गया आपका 80। तो फर्स्ट पर्पस था कि आपको अपने किसी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट को सेम बना लेना है, जिस तरह मैंने बनाया। इसके बाद ये जो दो इक्वेशन आपकी आएंगी इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में आप जानते हैं साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का, ये प्लस का 4 है माइनस हो गया, प्लस का 8 है माइनस हो गया, प्लस का 80 है माइनस हो गया, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए। ये हो गया एलिमिनेशन, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन कि ख़त्म हो जाता है एक वेरिएबल। अब माइनस का 8 और प्लस का 3 आपका बना माइनस का 5y, और इधर नंबर में क्या बनता है, माइनस का 80 और प्लस का 55, ये माइनस हो जाएंगे, माइनस हो के आपका 25 आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस, यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी आपकी, ये -25 और ये आपका -5 इधर आके डिवाइड में, तो वाई आ गया आपका, माइनस से माइनस कट गया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 5, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। अब ये जो आपने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ली थी ना, इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर 1 इसका नंबर 2 रखेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी, जो आपकी इसके बाद बनती हैं उनका नंबर आप 3 4 रखेंगे इस तरह से। अब ये जो वाई की वैल्यू आई है 3 4 इक्वेशन से, इस वाई की वैल्यू को आप अपनी 3 और 4 इक्वेशन में से किसी में से एक में भर देंगे। मैं इक्वेशन 3rd में भरता हूँ और लिखना इस तरह से है, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। तो
थ्री क्वेश्चन में भरना है, तो थ्री क्वेश्चन को पहले रीराइट कर लेता हूँ। 4x + 3y = 55, और y की जगह 5 भरना है, तो 4x तो एज इट इज रहेगा प्लस 3, और y की जगह पे 5 = 55। सॉल्व करते हैं इसको, तो 4x + 15 = 55। x की वैल्यू निकालने के लिए 4x, इधर 55 रहेगा, ये प्लस का 15 आपका माइनस बन जाएगा इधर, फिर आपका 4x = 40, और x = 40/4, यानी कि x = आपका 10। तो देखिए x 10 आ गया। तो इस मेथड से भी आपके x और y आ गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपके 10 और 5 आए। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, x 10 आया, y आपका 5 आया, एलिमिनेशन से x 10 आया, y 5 आया। ये एलिमिनेशन मेथड जो होता है सबसे इजी होता है, बच्चे ज़्यादातर इसी से क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पर्टिकुलर ये ना बोला गया हो कि किस मेथड से करना है, तो सबसे बेस्ट है आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए। चलिए इसी सवाल को अब करते हैं तीसरे तरीके से, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दो आपकी इक्वेशंस हैं राम और श्याम की, फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं ना, इन्हें आप एबीसी लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये करना है कि इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, 4x + 3y, और ये जो 55 है इधर आके माइनस हो जाएगा, -55 = 0। तो ये है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे मैं 1 मानूंगा। इसी तरह से इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, 2x + 4y, 40 इधर आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, = 0। फिर इसमें से आपको अपने ए बी सी निकालने हैं। x का जो कॉफिशेंट होता है वो होता है a, y का कॉफिशेंट आपका b होता है 3, और c होता है आपका जो कांस्टेंट नंबर होता है, यहाँ पे वो -55 है, क्योंकि दो इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन है, तो इसके जो कॉफिशेंट्स हैं, ये जो ए बी सी हैं, इन्हें आप a1, b1 और c1 के नाम से लिख लेंगे। सेम टू सेम इधर करना है, लेकिन यहाँ पे a2 के नाम से लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 है आपकी। तो a2 हो गया 2, और b2 हो गया इसमें आपका 4, और c2 हो गया इसमें आपका -40। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को कैसे याद करते हैं उसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उसके मेथड्स होते हैं। देखिए सबसे पहले लिखें आप x, इसके नीचे लगाए ये बार, फिर लिखें आप y, फिर इसके नीचे ये लगाएं, फिर लिखें आप 1, फिर इसके नीचे ये अपॉन लगाएं। इसके बाद एक सर्कल लें, इस पर a लिखें, इस पर b लिखें, इस पर c लिखें, और ये माने कि आपको b से शुरुआत करनी है, मतलब घूमना है इसके चारों तरफ। तो b से आप c की तरफ जाएंगे, तो फर्स्ट पेयर बना आपका bc। अब अपने इस x के नीचे आप लिखेंगे bc, bc माइनस bc। अच्छा, इसके बाद फिर आपको c से a की तरफ जाना है, तो ca बन गया, और y के नीचे लिखें आप ca माइनस ca। फिर आपको a से b की तरफ जाना है, तो 1 के नीचे लिखें आप ab माइनस ab। ये स्टेप आपको आगे ध्यान में, इसे आप एक बार फिर से देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके। तो सबसे पहले आपको x y 1 लिखने हैं, फिर आपको bc माइनस bc, ca माइनस ca और ab माइनस ab, नंबर 1, नंबर 2। तीसरी बारी पे क्या करना है कि 1 2, और फिर उल्टा 2 1, इसी तरह से यहाँ पे 1 2 2 1, फिर यहाँ पे भी 1 2 2 और 1।
तो ये इस फॉर्मूले को याद करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है। अब सिंपली आपको ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इसमें आपको अपने ये जो ए बी सी हैं इनकी वैल्यूज पुट करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये मेरा एक्स, बी वन सी टू, ऊपर देखिए बी वन आपका 3 है, 3, सी टू आपका -40 है इंटू -40, बीच में माइनस। बी टू देखिए बी टू आपका 2 है, बी टू आपका 4 है, ये बी टू है, ये 4 है, ये 4, और सी वन आपका -55 है इज इक्वल टू। अब वाई के नीचे देखें, वाई के नीचे ये सी वन, सी वन की वैल्यू आपकी -55, और ए टू, ए टू की वैल्यू आपकी 2, बीच में माइनस। फिर सी टू देखें -40, ब्रैकेट लगा के -40, और ए वन, ए वन आपका 4 इंटू में 4 इज इक्वल टू 1 लगाए या अपॉन लगाया, ए वन की वैल्यू 4 ब्रैकेट में, और बी टू की वैल्यू आपकी फिर से 4, ये माइनस लगाया, ए टू की वैल्यू आपकी 2 और बी वन की वैल्यू आपकी 3। तो ये सिंपल फॉर्मूला और ये इसकी पुटिंग, बस अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये एक्स ऊपर नीचे 43 -120 हो गया, फिर बीच में ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा प्लस, और 55 4 होता है आपका 220। तो एक्स का हो गया। अब वाई पे चलिए, इधर -55 को 2 से करेंगे तो ये -110 आएगा, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया प्लस, 44 आपका 160। चलिए वन पे चलते हैं, यहाँ 4 4 16 और ये माइनस, 2 3 6। इससे अगले स्टेप में इन्हें फिर सिंप्लीफाई करेंगे। x के नीचे आ गया आपका प्लस और माइनस के हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 220 में से 120 माइनस हुआ तो x के नीचे आपका प्लस का 100 आ गया इज इक्वल टू, y के नीचे प्लस का 160 और माइनस का 110 यानी कि प्लस का 50 आ गया इज इक्वल टू, 1 के नीचे प्लस का 16 माइनस का 6 यानी कि प्लस का 10 आ गया 10। अब यहाँ पे आके आपको इन्हें सेपरेट करना है। सेपरेट का मतलब है कि x के साथ एक बार ये y वाला, ये 1 वाला फ्रैक्शन लेना है, फिर y के साथ आपको ये 1 वाला फ्रैक्शन लेना है। तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/10। एक्स के साथ 1/10 लिया, फिर ऐसे ही वाई वाले फ्रैक्शन के साथ आपको ये नंबर वाला यानी कि 1/10 लेना है। अब यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली ये जो 100 है ये जब इस तरफ जाएगा डिवाइड में है ना, तो यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 ऊपर आ गया नीचे 10, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है आपकी ये 10, 100 को 10 से डिवाइड किया एक्स की वैल्यू आपकी आपकी 10। इसी तरह यहाँ से वाई निकालना है, तो वाई को अकेला छोड़ेंगे, इसके पास जो डिवाइड में है वो दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 ऊपर चला जाएगा नीचे आपका 10, तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी डिवाइड होके 5। तो इस तरह से एक्स और वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी निकल गए। तो ये इस चैप्टर का बेसिकली इंट्रोडक्शन था, और मैंने इसमें जो एल्जेब्रिकली तरीके से जो 3 तरीके हैं जो आपके सारे एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगे वो भी बता दिए हैं। एक मेथड बचा है जिसे ग्राफिकल मेथड बोलते हैं,
वो आपको 3.1 एक्सरसाइज में मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल में। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ये तीनों तरीके भी आपको बहुत अच्छे से बैठ गए होंगे दिमाग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।